जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आपने थंबनेल पर तो पढ़ा ही होगा, इच्छा पूर्ति के लिए मंगलवार को हनुमान जी के ये उपाय जरूर करें, लाभ जरूर मिलेगा। देखिए, वैसे तो हर दिन भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन मंगलवार का दिन हनुमान जी का ही होता है। और ऐसा कहा जाता है इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, और साथ ही हनुमान जी को मंगल ग्रहों का नियंत्रक भी माना जाता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली की उपासना करने से साहस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शक्ति हमें मिलती है। तो चलिए आज जानते हैं हनुमान जी के कुछ उपाय जिनको करने से सारी परेशानियों से छुटकारा जो है पाया जा सकता है, साथ ही आपके बिगड़ते काम जो है वो भी बनने लग जाएंगे। अब सुनिए पहला उपाय। यदि 11 मंगलवार को आप उपवास या व्रत रखें, हनुमान जी का दर्शन करें, तो आपको सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति जो है मिल जाती है। दूसरा उपाय सुनिए। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं, तो इस दिन नमक बिल्कुल भी ना खाएं। यदि आप इस दिन मीठी वस्तु का दान भी करते हैं, तो आपको मीठी चीजों का भी परहेज करना होगा। मंगलवार के दिन हवन करना अनुकूल नहीं माना जाता, इस वजह से इस दिन हवन करने से आप जरूर बचें। आप सुनिए सिंदूर से हनुमान जी की पूजा। देखिए, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के पूजन में सिंदूर का प्रयोग जरूर करें आप। इससे आपको समस्त दुखों से जो छुटकारा है मिल जाएगा। आप सुनिए बड़ के पेड़ की पूजा। धन प्राप्ति के लिए मंगलवार की सुबह बड़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से आप धो लें। इसके बाद इसे हनुमान जी को आप अर्पित कर दें। धन संबंधित जितनी परेशानी है दूर हो जाएगी। अब सुनिए पान का उपाय। नियम से पान का एक बीड़ा मंगलवार के दिन चढ़ाने से नौकरी पेशा को प्रमोशन के अवसर जो है मिल जाते हैं। हनुमान जी को चढ़ाए गुलाब की माला। मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला आप चढ़ाए। यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। आप सुनिए बूंदी के प्रसाद का उपाय। मंगलवार के शाम के समय व्रत करके बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद आप जरूर बांटे। यह उपाय करने से संतान संबंधित जितनी परेशानियां है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जलाए सरसों का तेल का दिया। दाम्पत्य जीवन बेहतर बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाए, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। 108 बार करें राम नाम का जाप। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठकर राम नाम का 108 बार जाप करें। इसके अलावा इस रात को यदि आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं बड़ी शीघ्र बन जाएगी और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, हनुमान जी आपकी हर मनोकामना को, हर संकट को दूर करने वाले हैं। इसलिए आप हर मंगलवार को या रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ तो आप जरूर करें, आप पर हनुमान जी की कृपा जो है बनी रहेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में आपके लिए मैं कुछ विशेष उपाय लेकर आने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा की।